अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जा रही हूँ आप लोग के लिए अफ्तारी के लिए, कर लें तो भी सही रहता है। अफ्तारी में पूरी, आलू की तरकारी और छोले की तरकारी और सूजी का हलवा, ये पूरा नाश्ता मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो पूरी मैं बताती हूँ, पर पहले मैं आलू की तरकारी चढ़ाते हैं। इसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। स्टोव जलाते हैं, पतीली में ऑयल ले लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून राई, राई दाना जो होता है इसको डाल के ये थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें से आवाजें आने लगी ना, कड़कड़ाएंगे इसको। जब इसमें से आवाजें आने लगे, थोड़ा सा हो जाए, तो इसमें मैंने ये 3 मीडियम साइज पोटैटो हैं, इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था वो डाल दिया। इसको मैश कर लेंगे लेकिन मोटा मोटा, बिल्कुल इसको पीसे पीस के बारीक नहीं करेंगे, बल्कि इसको मोटा मोटा रहने देंगे, मैश करेंगे। मैश करके आपने मैंने जो कलौंजी और राई जो कड़कड़ाई थी ऑयल में, इसमें इसको डालेंगे। फिर इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, ये मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, इसमें थोड़ा सा मैंने पिसी लाल मिर्च मिलाई है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग, ये भी इसमें डाल देंगे सब। और इसको मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए ये इसमें बॉयल आने लगा पानी में। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अचार, मिक्स अचार, थोड़ा सा मसाला भी हो, थोड़ा सा उसको ऑयल भी हो अचार का, और ये इसमें डाल देंगे थोड़ी सी खटास के लिए। ये इसको थोड़ा सा पकने देंगे। आलू अगर आपको वो लग रहे हैं मोटे मोटे, थोड़ा सा आलू जो है अगर आलू जो है वो आपको बड़े बड़े पीस लग रहे हैं तो थोड़ा सा आलू और मैश कर दें इसमें, ये मैशर से इसमें थोड़ा सा आलू मैश कर दें। अब धीमी आंच करके स्लो आंच पे इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये आलू की तरकारी पूरियों के साथ खाने के लिए रेडी है। ये अब मैं बनाने जा रही हूँ पूरियों के साथ खाई जाने वाली छोले की तरकारी। इससे पहले आलू की तरकारी बनाई थी, अब ये छोले की तरकारी है। इसमें मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल, ये वाला, ये भर के ऑयल डाला है। और अब इस थोड़े से इसमें साबित गरम मसाले बस 2-4, जैसे 1 दालचीनी की स्टिक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 लीफ जो है ये तेज़पत्ता, बे लीफ जिसे कहते हैं ना, ये डाल के जब ऑयल गरम हो जाए फिर मैं इसे कड़कड़ाऊँगी इसके अंदर।
ज़रा इसको चलाते रहना है, इसलिए कि ज़ीरा जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। जब ये थोड़ा पकने लगेगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसको चलाया थोड़ा सा, ये ज़ीरा भून जाए। ये अदरक लहसुन थोड़ा सा भूना, फिर मैंने इसमें डाला 3 मैंने ली थी हरी मिर्चें, हरी मिर्च उनका पेस्ट बना लिया, वो भी डाल देंगे। इसको भूनेंगे थोड़ा सा ना, इसका कच्चापन जो प्याज डाली है अदरक लहसुन डाला है इसको भूनेंगे। ये भून गया, अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी। ये है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून किसी भी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें 1 टीस्पून है सिर्फ धनिया। ये मसाला थोड़ा भून गया, अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही डालते वक्त चूल्हे की आँच जो है वो स्लो कर देंगे और इसमें ये तकरीबन है 4 या 5 टेबलस्पून दही डाल देंगे फेंट कर। इसको मिक्स करेंगे, सारी दही अच्छे से पोंछ के इसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को भूनेंगे हम। ये देखें व्यूअर्स, ये जो मैंने छोलों के मसाला तैयार कर रही थी, छोले का सालन बनाने के लिए जो मसाला तैयार कर रही थी वो अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैंने 1 कप बॉईल किए हुए चने, ये चने हैं, ये मैंने 1 कप बॉईल कर लिया था इनको, और इसके अंदर इसका पानी थोड़ा सा पानी रहने दिया था, छोलों जिस पानी में ये छोले मैंने बॉईल किए थे उसी में से थोड़ा सा पानी इसमें रहन दिया था, यानी कि सुखाया, बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। अब ये जो मसाला भून गया है मेरा, जो मैंने आपको बताया था ये मसाला, ये मैं डाल दूंगी पूरा इन छोलों में। ये मसाला डाला इन छोलों में, इसको एक बॉयल आने देंगे, बॉयल। अब इसको मैं धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने दूंगी। अच्छा, जो मैंने इसमें तेज़ पत्ता शुरू में इसके मसाले में जो तेज़ पत्ता डाला था और थोड़ी सी एक सेलेमन स्टिक डाली थी दालचीनी, वो मैंने निकाल दी जब मसाला डालने लगी थी, तो तेज़ पत्ता भी निकाल के मैंने फेंक दिया था और ये दालचीनी भी निकाल के हटा दिया। अब ये इसको, ये बॉईल होने लगे चने मसाले में, अब इनको स्लो आंच पे थोड़ी देर इसमें पकाएंगे, बस फिर चूल्हा बंद कर देंगे। चने तो पहले से गले हुए हैं, ये इन मसालों के साथ थोड़े से पक जाएं ताकि ये मसालों को अपने अंदर ले लें, फिर उसके बाद ढक देती हूँ। 5 से 10 मिनट ये पकेंगे और ये छोलों का सालन भी रेडी। अब ये मैं गूंदने जा रही हूँ पूरियों का आटा, इसके आलू की तरकारी भी तैयार हो गई है, मैंने आपको रेसिपी दिखाई है, छोले की तरकारी भी तैयार हो गई है। अब मैं जा रही हूँ पूरियों का आटा गूंदने। ये मैंने
3 कप मैदा लिया है। ये जो ये कप होते हैं ना, ये 3 कप भर के मैदा लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये देखिए ये आटा गुन गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको रेस्ट पे रख दूंगी, या तो कपड़े से ढक दें या किसी एयर टाइट बॉक्स में रख दें। इसमें करके अब मैं इसको रेस्ट पे रख दूंगी, फिर जब पूरियां बनाएंगे तो फिर ये मैं आपको दिखाऊंगी पूरियां इसकी कैसे बन रही हैं। ठीक है व्यूअर, देखें ये मेरा, मैंने जो आटा रेस्ट होने के लिए रखा था पूरियों के लिए गूंद के, वो हो गया है। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने रखा, उसके बाद अब मैं ये पूरी बेल रही हूँ। ये मैंने छोटी छोटी पूरियाँ बनाई हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये इस तरह आराम से गरम तेल गरम होना चाहिए, तो थोड़ा सा दबाएं ऑयल में। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो इसी वाले मरेले पे उतार लें, अगर थोड़ी सी कड़क चाहिए, बाद लोगों को होता है ना ज़रा रेड हो कड़क हो, तो उसको थोड़ा सा और सेक लें। ये बन गया है छोले की तरकारी, आलू की तरकारी, पूरियाँ और सूजी का हलवा। ये इस पूरी रेसिपी में आप लोग को, ये मेरी जो पूरी वीडियो है उसमें इस तरकारी, दोनों तरकारी की और पूरी की रेसिपी होगी। बाय मिस्टेक ये हलवे की रेसिपी जो है ना डिलीट हो गई है। इंशाल्लाह मैं हलवे की रेसिपी फिर आपको दोबारा किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।